नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। हमें प्रूव करने की जो हमारी एलएचएस साइड है वो आरएचएस के इक्वल है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमें एलएचएस साइड क्या गिवन है, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6, ये हमारी एलएचएस साइड हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है ये 6 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री, यानी कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक। अब ये जो 5 पाई बाय 6 है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो टेबल है उसके अंदर नहीं है, तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, यानी ये वापस वही वैल्यू आ रही है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कॉट स्क्वायर है, प्लस कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी कि ये जो हमने एक फॉर्मूला देखा था साइन का, वो क्या था कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या है, कॉसेक है, साइन का उल्टा है, यानी जो चीज साइन के लिए लागू है वो कॉसेक के लिए भी लागू है। तो अगर साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, और यहाँ थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई बाय 6 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉसेक पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1 बाय रूट 3 होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो हम कर देंगे इंटू 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस कॉसेक पाई बाय 6, तो यहाँ पे कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक पाई बाय 6 मतलब कॉसेक 30 डिग्री, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, ठीक है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, आगे हमारे पास बच रहा है 3 प्लस 2, इधर से क्या बचा, यहाँ कैंसिल हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, अब हमारे 6 इक्वल आ गया, यानी किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है, तो हमारा यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। हमें प्रूफ करनी, जो हमें एलएचएस गिवन है वो हमारे आरएचएस के इक्वल है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमें एलएचएस क्या गिवन है, हमें एलएचएस गिवन है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है ये हमारे 10 के इक्वल है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, तो यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर, हम 3 पाई बाय 4 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, अभी पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस 2 sec स्क्वायर, पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, तो हम यहाँ 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर पाई माइनस थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू sin थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई बाय 4, तो हमारी क्या आएगी यहाँ पे, sin स्क्वायर पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ पे थीटा कौन है, पाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा यानी पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय रूट 2 होती है, तो हम यहाँ पे 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर गिवन है, प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री पे 2 होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक क्या है, स्क्वायर में है, तो यहाँ आगे देखते हैं, 2 इंटू
साइन स्क्वायर पाई बाय फोर, पाई बाय फोर का मतलब क्या होता है 45 डिग्री होती है, साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे क्या होती है 1/√2 होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 1/2 क्योंकि इसका रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, 1 का 1 होगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल इधर बचा 1, प्लस 2 इंटू 4 क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ 2 से 2 फिर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 8, 1 प्लस 1 प्लस 8 क्या होता है हमारा 10 होता है, और ये किसके इक्वल है हमारे RHS के इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास आ गया कि LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है, इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10।